हिंदुओं का महापर्व छठ पूजा मनाने के लिए लोग देश विदेश के कोने कोने से अपने घर पहुंचने को बेकरार हैं। जहां एक ओर ट्रेनों में खचाखच भीड़ है और दूसरी ओर सरकार ने कहा है कि स्पेशल ट्रेन 100 से अधिक चलाई गई है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह लोग अपने घर पहुंचने के लिए बेकरार हैं, ऐसा मानो लगता है कि ट्रेन कम पड़ रही है। सड़क के माध्यम से हो, ट्रेन के माध्यम से हो, लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं। चूंकि हिंदुओं का महापर्व छठ पूजा लोग अपने घरों में मनाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, एक आनंद की अनुभूति लोगों की होती है। आस्था का पर्व यह छठ पर्व सच्चाई का पर्व माना जाता है। छठ पर्व उदय और अस्त जो सच्चाई है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त की पूजा होती है। जीवन में भी सूर्य उदय अस्त के तरह अस्त उदय लगा रहता है। लोग इस पर्व को बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ, परिवार के साथ मिलकर पूजा करते हैं। और छठ पर्व में देश विदेश के लोग कहीं भी रोजी रोटी के लिए काम करते हो, वो घूम कर आते हैं। सरकार के बड़े बड़े दावे होने के बाद भी हर रेलवे स्टेशन पर भेड़ बकरी की तरह लोग ट्रेन में घुसकर बैठ रहे हैं। रिजर्वेशन किए हुए लोगों को भीड़ के कारण अपने सीट तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। लोग शौचालय के बगल में बैठकर अपने घर पहुंचने के लिए मजबूर हैं, तो लोग चलने के वाले पैसेज के बीच में बैठे हुए हैं। लोग इतनी भीड़ है कि लोगों को जगह नहीं मिल रही, ट्रेनें छूट जा रही है, रिजर्वेशन का कोई मायने नहीं रहता। लोग एक दूसरे को अपने साथ बिठाकर ले जाने पर मजबूर हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस पर्व की श्रद्धा और इस पर्व के जो उल्लास लोगों के बीच है कि लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, लोग अपने सीट पर दूसरे को बैठाते हैं और बड़े आनंद से लोगों को अपने घर ले जाना चाहते हैं। भीड़ काफी है, भीड़ खचाखच है, ट्रेन के ऊपर नीचे चारों ओर लटक कर खिड़कियों के माध्यम से, गेट के माध्यम से लोग चलने पर मजबूर हैं। छठ महापर्व हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व, आस्था का पर्व, सच्चाई का पर्व, उदय और अस्त का पर्व लोग मनाने के लिए देश विदेश से अपने घर पहुंच रहे हैं। और 3 दिन का या 4 दिन का यह पर्व, हर्षोल्लास का यह पर्व कहा जा सकता है। वीडियो लाइक करें, दोस्तों यारों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।